आज 20 जुलाई है और लगातार 3 दिन से जो धूप निकल रहा है, गर्मी तो बढ़ ही गया है, किसानों के भी हालत ख़राब हो गए हैं। और ये तस्वीर मैं जो दिखा रहा हूँ, ये खेतों में जो थोड़े मोड़े पानी आ रहे हैं वो बिजली बोरिंग से आ रहे हैं, लेकिन ऊपरी आसमानी बात करें तो एकदम कड़ाके की धूप निकल रही है और किसानों का परेशानी इस धूप से बढ़ा है कि जो पानी थोड़ा वाला खेत में बच रहा है वो पानी सूख जा रहा है। अभी 20 जुलाई यानी कि कल 21 तारीख को आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है, इसके बाद सावन शुरू हो जाएगा। इस बार झमाझम बारिश होना चाहिए था इस मौसम में, और किसानों के मन बारिश पे चहकते हैं कि वो पूरे तैयारी के साथ खेत में उतरते हैं, लेकिन इस बार खेत में गिने चुने किसान मुझे दिख रहे हैं अभी। और इसका मुख्य कारण लोगों ने बताया कि अभी जो पानी की समस्या है, पानी से ही लोगों की परेशानी है। और अगर बारिश होता तो धान का जो रोपनी का कार्य है, खेत तैयार करने का, वो जूद स्तर पे होता, लेकिन मौसम विपरीत है, पानी की समस्या है लोगों को। और किसान इस बात से चिंतित हैं कि समय पे अगर धान की रोपनी नहीं हुई तो फसल तैयार नहीं हो पाएगा, और फसल का जो दर होता है वो समय से अगर ना रोपनी हो तो नहीं हो पाता। तो आपको जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ वो रोहतास के किसानों के खेतों की स्थिति है, और गिने चुने ही लोग मुझे खेतों में दिख रहे हैं। अब पानी तो कोई नहीं बरसा सकता है, लेकिन किसान इस बात से चिंतित हैं कि आखिर उनका क्या होगा अगर बारिश नहीं होगी। तो तस्वीरों के साथ जुड़े रहिए, अगर आप किसान हैं, खेतों में हैं, तो आप हमसे संपर्क करें और हम आपकी बातों को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किसानों को कौन कौन से परेशानियों से जूझना पड़ेगा या पड़ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर मैं आपको अपने इस पर दिखा रहा हूँ कैमरा स्क्रीन पर, कि ये रोहतास की तस्वीर है, रोहतास जिले की।